हेलो बच्चों हाय एवरीवन आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फंजाइ एंड किंगडम प्लांटे आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं सो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे विद द किंगडम एनिमलिया राइट किंगडम एनिमिल के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड उसके बाद बेटा समझेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है बेटा हमारे एनसीआरटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया गया है राइट right? एंड उस डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे टर्म्स यूज करे गए हैं जिसका मीनिंग एनसीआरटी में नहीं दिया है अगर हम उन टर्म्स का मतलब समझ लेंगे तो वो एनिमल किंगडम समझना हमारे लिए बहुत हो जाएगा राइट? तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट कर रहे हैं विद द बेसिक विदिक्टिस्टिक्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, राइट जितने भी किंगडम एनिमिलिया के मेंबर्स हैं वो सभी ये सब कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे कौन से कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं बेटा ये कलेक्टर हमने बाकी पिछले किंगडम्स के बारे में भी डिस्कस करे थे अगर आपको याद हो तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेल ऑर्गेनाइजेशन राइट मैंने क्या बताया था मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो प्रो होते हैं उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम हैं वो सभी कैसी सेल ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं यू कैरियोटिक तो इनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन भी कैसी है यू कैरियोटिक उसके बाद अगर हम बात करें इनके ऑर्गेनाइजेशन की वॉट डू यू थिंक एनिमल्स कैसे ऑर्गेनिज्म हैं वॉट डू आई मीन बाई यूनिसेल्यूलर है या वो मल्टी सेल्यूलर है वॉट डू यू थिंक हम एनिमल हैं? हम कैसे है, बेटा? या दूसरे एनिमल कैसे ऑर्गेनिज़म्स हैं? मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मल्टी ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म हैं आप अब इसमें भी बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल की होती है जब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो आई विल टेल यू कि कैसे कुछ एनिमल्स के अंदर नॉर्मल टिश्यूज होते हैं कैसे कुछ एनिमल्स के अंदर ऑर्गन होते हैं एंड कैसे हाइयर एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की सेल वॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल में राइट right? एंड कौन से सेल में हमने देखा था प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बट क्या एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल होता है नो एनिमल सेल के अंदर एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल है बेटा दैट सेलवॉल हैलवॉल एबसेंट है एनिमल सेल के अंदर तो कोई भी एनिमल ले लो कोई भी एनिमल का सेल ले लो सबके अंदर जो सेल वॉल है वो एबसेंट है अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सभी किंगडम्स की हमने डिस्कस करी थी तो बेटा जो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमलिया क्या वो है कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है Heterotrophic. Heterotrophic मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड है ना अब इसमें हम बचपन में पढ़ते थे कुछ हरबी वोर्ड एनिमल्स हैं कुछ कार्निवोर एनिमल्स हैं कुछ ओमनी वर्ड राइट तो उस चीज में नहीं जा रहे हैं हम इस टाइम बट अगर हम जनरल बात करें तो सभी के सभी एनिमल्स कैसे होते हैं एंड ऑफ देम कैन प्रिपेयर देयर फूड। इतना समझ आया बेटा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉमन है हर एनिमल के एक छोटा सा कोरल जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी पूछा था कोरल एनिमल्स होते हैं ठीक है एक छोटा सा स्पॉन्ज एक छोटा सा कॉरल एक छोटी सी जेलीफ़िश, हाइड्रा से लेके एक बहुत बड़ा जिराफ एलिफेंट सभी के सब ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं हेट्रोट्रॉफिक और ये सभी करेक्टर एक सब पे अप्लाई होते हैं बट 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 अगेन द सेम थिंग राइट सो अब क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत वेराइटी है राइट right? मैंने सबको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया किंगडम एनिमीलिया में राइट right? बट मुझे अब उनको फर्दर फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा राइट right? अब किंगडम के अंदर क्या होता है बेटा फाइलम फाइलम के अंदर होते हैं क्लासेस क्लास के अंदर होते हैं ऑर्डर ऑर्डर के अंदर होती हैं फैमिली देन वी हैव जीनस एंड देन वी हैव स्पीशीज कुछ बच्चे कह रहे थे मैम इसको याद रखना बहुत मुश्किल है सो so, बेटा दिस इज अ यू नो अ इजीियर वे टू रिमेंबर सो वी कैन यू नो रिमेंबर दिस बाय दिस किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनिश दिस इज द ट्रू स्टोरी अबाउट मी एज वेल राइट सो किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनिश के फॉर किंगडम पी फॉर फाइलम सी फॉर कैंडी ओ फॉर ऑर्डर एंड देन वी हैव एफ फॉर फैमिली जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज तो बेटा कुछ इस तरीके से हम हैर्की को क्या कर सकते हैं Learn कर सकते हैं Now back to our topic, as I just said, के सारे के सारे एक किंगडम को बिलोंग करते हैं that is kingdom animalia. Now what after that? क्या मैं सबको एक ही ग्रुप के अंदर बिठा दू नो no. क्योंकि सब ऑर्गेनिजम्स सब एनिमल्स अपने से अलग 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 हैं फिश अलग है रेप्टाइल अलग है ह्यूमन बींग्स अलग हैं, एंड देन बर्ड्स अलग है सब एनिमल है बट मैं सबको एक ग्रुप में नहीं रख सकती राइट right? तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा मुझे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा मुझे इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा मुझे इनको सॉर्ट करना पड़ेगा अगर मैं बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक में बोलूं तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा क्लासिफाई करना पड़ेगा अब याद करो हमने क्या पढ़ा था जब हम कोई भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कुछ क्राइटेरिया चूज करना पड़ता है जैसे कि हमने प्लांट्स के केस में किया था जिनके पास सीड है उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया जिनके पास सीड नहीं है उनको एक ग्रुप में रख दिया जिनके पास फ्लावर है उनको एक ग्रुप में जिनके पास फ्लावर है उनको दूसरे ग्रुप में है ना तो हमने क्या किया कुछ क्राइटेरिया चूज करा था जिसके बेसिस पे हमने उन्हें क्लासिफाई करा वैसे ही बेटा एनिमल्स के केस में भी हमने क्या किया हुआ है हमने ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जैसे प्लांट के केस में हमारे पास थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म थे याद है ना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैसे ही सेम अब एनिमल किंगडम को भी हम और फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं राइट हम और फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं और मेजर फाइलम हमारे कितने हैं नौ मेजर फाइलम्स राइट हम एनिमल किंगडम को मेजरली नाइन फाइलम्स में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं क्या नाम है इन फाइलम का बिल्कुल भी नहीं डरेंगे बार बार रीड करेंगे तो हमें याद हो जाएगा ठीक है बेटा

एनेलिडा में हमारा आ जाता है अर्थवर्म देन वी हैव आर्थ्रोपोडा जितने भी इंसेक्ट्स हैं बटरफ्लाई बी ग्रास हॉपर सब के सब बिलोंग करते हैं थ्रू दी टू द किंग फाइलम आर्थ्रोपोडा देन वी हैव मोलस्का मोलस्का में हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है ऑक्टोपस ठीक है बेटा उसके अलावा हमारे स्नेल्स वो मोलस्का को बिलोंग करते हैं देन वी हैव एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वाला ये क्या है फाइलम है जिसमें होता है एंड देन वी हैव कॉर्डेटा कॉर्डेटा में बेटा हमारी फिश आ गई ह्यूमन बींग्स आ गए बर्ड्स आ गई जिनकी भी बैकबोन होती है वो सब कॉर्डेटा में आ जाती है राइट इज जस्ट ट्रेलर था अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सो so, बेटा मैंने किस बेसिस पे मैंने किस बेसिस पे इनको अलग अलग ग्रुप में रखा मैंने क्यों सबको एक ग्रुप में नहीं रखा क्यों क्योंकि ये फाइलम्स एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से क्या है डिफरेंट है राइट right? अब क्या क्राइटेरिया है इनको डिवाइड करने का किस बेसिस मैंने इनको अलग अलग ग्रुप में रखा है वो देखते हैं बेटा so अब हम समझ रहे हैं क्या हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया है मतलब किस बेसिस पे मैंने इनको क्लासिफाई करा अब कुछ क्या है कुछ चीजें हैं तो सबसे पहला क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्या किया इनको डिवाइड करा मैंने देखा कुछ एनिमल्स के अंदर टिश्यूज टाइप चीजें दिखती हैं बट किसी किसी एनिमल के अंदर प्रॉपर ऑर्गन होते हैं किसी किसी एनिमल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेन सिस्टम होता है राइट right? तो मैंने उनको अलग रख दिया कुछ तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर प्रॉपर टिश्यूज भी नहीं होते बस जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि लूजली अरेन्ज होते हैं राइट right? तो मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा एंड उनको अलग अलग ग्रुप में क्या करा डिवाइड करा वो क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा जल्दी से देखते हैं एंड समझते हैं सो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्युलर लेवल

कौन शो करता है उन नौ फाइलम में से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फाइलम है जिसको मैं पॉरीफेरा कहती हूँ वो शो करता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन आई हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस टाइप के एनिमल्स के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं एग्रीगेट होते हैं और क्या है? बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं राइट तो इनके अंदर क्या होते हैं सिमिलर सेल के ग्रुप्स होते हैं टिश्यूज टाइप के बट कोई ऑर्गन नहीं होता जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है हार्ट है किडनी है वो उस तरीके के इनके अंदर नहीं मिलते सिर्फ क्या होते हैं टिश्यूज होते हैं राइट अब कौन से फाइलम ये दिखाते हैं बेटा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेल एंड ट्रेटा अब थोड़ा और तरक्की कराते हैं जी अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स हमें मिलते हैं राइट प्रॉपर organ system में ही होता बट organ होते हैं राइट तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे organ level of organization राइट यहाँ पे क्या हुआ है सिमिलर टिश्यूज ने मिलके कुछ organ बना लिए हैं कौन सा फाइलम ये शो करता है बेटा हमारा फाइलम प्लेटी हेल्मेंथीस ठीक है फ्लैटवर्म प्लेटी हेल्मेंथीस से याद रखो फ्लैटवर्म ठीक है अब इसके बाद इसके बाद जितने भी ऑर्गन थे वो क्या करेंगे ऑर्गन आएंगे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे सिस्टम इन बेटा जैसे कि हमारा हार्ट ब्लड वेसल मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है नोज एंड विंड पाइप लंग्स मिलके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं माउथ फूड पाइप स्टमक इंटेस्टाइन मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं तो अब क्या होता है हम बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है कौन से होते हैं बेटा प्लेटी हेलमेन थी जितने भी फाइलम्स थे उन सभी के अंदर बेटा क्या होगा हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा यहां से समझते हैं बेटा देखो मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ सो वी हैव पॉरिफेरा पॉरीफेरा में क्या था बेटा हमारा सेल्युलर लेवल पॉरिफेरा में था हमारा सेल्युलर लेवल

डेटा तक सबके सब कैसे हैं ऑर्गन सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म सबके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है टू परफॉर्म फंक्शन समझ आएगा इतना आगे चल रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो है हमारा बॉडी सिमिट्री बहुत इंटरेस्टिंग है सिमिट्री हम अपने नेचर में भी कई जगह पे देख सकते हैं तो सिमिट्री के बेसिस पे मैंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा है तीन तरीके के सिमेट्री में कुछ ऑर्गेनिजम्स ए सीमेट्रिकल होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स रेडियल होते हैं कुछ सिमेट्रिकल होते हैं अब यू विल बी लाइक मैम ये बाइले एमेट्रिकल बाई सिमेट्रिकल नहीं समझ आया क्या है तो पहले ये समझो कि सिमेट्री का क्या मतलब होता है सिमेट्री मतलब अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है क्या मैं उसको दो इक्वल में डिवाइड कर पा रही हूँ अगर मैं कर पा रही हूँ तो क्या है वो सिमेट्रिकल है जैसे एक यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है ये लेट्स दिस इज अ प्लांट और क्लाउड आई डेंट गेट इट क्या है ये बट वट एवर इट इज यू कैन सी अगर मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहू तो मैं इसको ऐसे कट करूंगी और अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो मुझे दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे मिल जाएंगे बेटा ठीक है अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तो क्या मुझे इक्वल हाफ मिलेंगे क्या ये पोर्शन इस पोर्शन के बिल्कुल क्या है इक्वल है नहीं राइट तो मुझे किसी भी तरीके से क्या करना है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड करना है अगर इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो रहा है तो मैं उसको सिमेट्रिकल बोल दूंगी ठीक है अगर वो ऑर्गेनिज्म अगर वो एनिमल एक सिमेट्री में नहीं है अगर मैं उसको दो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकती तो मैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलूंगी ए जैसे यहां पे देखो राइट अगर मैं इसको ऐसे कट कर रही हूं तो क्या मुझे कोई सिमिट्री मिल रही है क्या ये पार्ट इसके इक्वल है क्या ये इसकी मिरर इमेज है नहीं आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे जो मुझे बल्ज दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं है उस तरीके का सो so ये ए सिमेट्री हो गई इतना समझ गए राइट right, तो ए सिमिट्री समझ आया पहले ये बताओ एसिमेट्रिक अब मैं बोलूं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं कुछ एनिमल्स ए सिमेट्रिक। होते हैं इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया मैं कितनी भी कोशिश कर लू मैं उनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती देखो मैं इनको ऐसे कट करूंगी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे मैं इसको ऐसे कट करूंगी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे ऐसे कट करूंगी नहीं होगा हो ही नहीं सकते दो इक्वल हाफ में डिवाइड तो मैं क्या कहूंगी ये कैसे ऑर्गेनिज्म है ये कैसे एनिमल है एसिमेट्रिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं 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 कर सकते कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जाम्पल कौन है इसके एग्जाम्पल है बेटा पॉरीफेरा ठीक है पॉरीफेरा क्या है फाइलम है याद आया सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म को मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती देयरफॉर वो कैसे ऑर्गेनिज्म है ए सिमेट्रिकल इतना समझ आया अब सिमेट्रिकल अब सिमिट्री भी बेटा दो तरीके की हो सकती है देखो यहाँ पे हमने देखा सिमेट्री दो तरीके की है एक रेडियल और एक बाइलिट्रल अब इसका क्या मतलब है देखते हैं बेटा चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं रेडियल सिमेट्री का पहले अगर मैं ऑर्गेनिज्म को किसी भी हाफ में कट करूं अगर मैं ऑर्गेनिज्म को किसी भी हाफ में कट करूं और मुझे दो इक्वल मिल तो मैं कहूंगी वो ऑर्गेनिज्म वो एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल है यहाँ पे एक मुझे प्यारी सी स्टारफिश दिख रही है स्टारफिश इज माई फेवरेट एनिमल काइंड ऑफ फेवरेट एनिमल सो यहाँ पे मेरे पास एक स्टारफिश है बेटा अगर मैं इस स्टारफिश को अगर मैं स्टारफिश को ऐसे डिवाइड करूं देखो तो क्या ये दो इक्वल हो गई, देखो, हो गई दो में अगर मैं को अगर मैं स्टारफिश को ऐसे डिवाइड करूं तो ये क्या दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो गई देखो हो गई ठीक है अगर मैं स्टारफिश को बेटा ऐसे डिवाइड करूं क्या ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो रही है देखो ये इक्वल हो गया राइट right? मैं इसको किसी भी प्लेन में कट करूं, मुझे दो इक्वल हावस मिल जाएंगे ठीक है? अगर मैं इसको किसी भी प्लेन में कट करूं, मुझे दो इक्वल हावस मिल जाएंगे ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है, है? यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया मेरा ये स्टारफिश है ये कौन सी फाइलम को बिलोंग करती है एक और एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं बेटा यहाँ पे सी एनिमोनी का सी एनिमोनी बिलोंग करता है किंगडम ओ सॉरी फाइलम सेलेंटरेटा को याद हो जाएंगे एग्जाम्पल डरना नहीं है जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो सो so, ये मेरा सी आनीमोनी है देखो बेटा मैं इसको अगर ऐसे कट करती हूँ तो ये देखो दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ तो भी हो जाएगा दो इक्वल हाउस में और इसको ऐसे करती हूँ तो भी दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा किसी भी प्लेन में कट करूं दो इक्वल हाउस मिल रहे हैं उन टाइप उस टाइप के एनिमल्स को मैं क्या बोलूंगी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से फाइलम्स दिखाते हैं रेडियल सिमेट्री दो फाइलम्स हैं बेटा सेलेंट्रेटा कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आपको टर्म सुनने को मिलेगा निडेरिया सेलेंट्रेटा निडेरिया एक ही बात होती है राइट अक्सर हमारी आदत होती है कि हमें लगता है कि यह तो हमने पढ़ा ही नहीं बट सेम चीज है बेटा सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं और उसके अलावा इकाइनोडरमेटा फाइलम इकाइनो के मेंबर्स भी क्या करते हैं बेटा रेडियल सिमिट्री दिखाते हैं कब जब वो अपनी एडल्ट स्टेज में होते हैं जब छोटे होते हैं जो विनाइल स्टेज होती है तब रेडियल सिमिट्री नहीं दिखाते बट जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो रेडियल सिमिट्री शो करते हैं एक और टाइप की सिमिट्री थी दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री बायलिट्रल सिमेट्री का क्या मतलब है सिमिट्री मतलब दो इक्वल मिलेंगे बट कब मिलेंगे उनकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं सिर्फ एक प्लेन ऐसा होगा अगर मैं उस एक प्लेन में डिवाइड कर दूंगी तो दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे अगर वो प्लेन मुझे नहीं मिला तो मैं उनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती एग्जाम्पल देखो मेरे पास यह है एक बीटल ठीक है या कॉकरोच क्या है ये ठीक है तो मेरे पास ये एक इंसेक्ट है बेटा अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूं अगर मैं उसको इस प्लेन में डिवाइड करती हूँ वर्टिकली तो मुझे दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं देखो ये वाला हाफ इस हाफ के इक्वल है ठीक है अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगी तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे देखो इसका हेड ऊपर चला गया तो इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ऐसा प्लेन है जिसपे कट करने पे मुझे क्या मिलेंगे दो इक्वल हावस मिलेंगे ठीक है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलती हूँ बाईलेट्रली सिमेट्रिकल एनिमल्स देखो यहाँ पे बटरफ्लाई है इस बटरफ्लाई को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगी तो मुझे दो एक पल्हा मिल जाएंगे ठीक है बेटा वैसे देखो अगर मैं इस को ऐसे डिवाइड तो मुझे दो एक पल्हा मिल जाएंगे ऐसे करूंगी तो तो नहीं मिलेंगे तो पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन है उस उसमें डिवाइड करने पे मुझे दो एक पलहा मिलेंगे रेडियल में बहुत सारे प्लेन हैं एंड बाइलेट में सिर्फ एक प्लेन है ठीक है बेटा तो समझ आ गया अब प्लेटी हेलमेन से लेकर अभी आगे देखते हैं आपको वहीं पे बताऊंगी मैं सो so, मेरे पास तीन तरीके की सिमिट्री हो गई मेरे पास तीन तरीके की सिमिट्री होगी बाइलेट्रल रेडियल ठीक है और जो सिमिट्री नहीं दिखाते वो ए समझ आया ठीक है आगे चल रहे हैं अब मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूं इसलिए मैंने वहां नहीं बताया ओके तो बेटा हमारे पास एक तो मेरा सेलेंटरेटा हो गया सेलेंटरेटा रेडियल सिमिट्री उसके अलावा मेरा जो इकाइनोडरमेटा था वो रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है ठीक है बेटा उसके अलावा जो मेरा पोरीफेरा है वो तो ए सिमेट्रिकल है ठीक है उसके अलावा बेटा जितने भी ग्रुप बचे जितने भी ग्रुप बचे वो क्या है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है ठीक है दे ऑल आर बायोलेट्रलीमेट्रिकल ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींगे तो हम भी क्या है हम भी बायोलेट्रली सिमेट्रिकल हैं आगे चलते हैं बेटा एक्सेप्शन याद कर लो बाकी सब चीजें खुद याद हो जाएंगी अब मैं कैसे याद रखू टेन टेन फाइलम्स नाइन फाइलम कैसे याद रखू मैं एक्सेप्शन याद कर लूंगी क्या इसमें -इस नहीं होता बाकी सब में होता है तो ऐसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा ओके okay, अब थर्ड क्राइटेरिया फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने उन्हें क्लासीफाई करा सेकेंड हमने उनको सिमिट्री के बेसिस पे क्लासीफाई करा अब हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल जर्मिनल लेयर्स लेयर्स को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर अब एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होता है व्हाट इज मेंट बाय एम्ब्रियोनिक लेयर अच्छा एम्ब्रियोनिक से एम्ब्रियो याद आ रहा है याद है ना एम्ब्रियो पढ़ा था क्लास एट में समझते हैं बेटा एम्ब्रॉनिक लेयर क्या होती है एम्ब्रॉनिक लेयर एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है ठीक है वहां से कॉन्सेप्ट उठाते हैं और समझते हैं कि क्या है ये ठीक है? डेफिनेशन देख लेते हैं पहले लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो फ्रॉम विच ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स डेवलप आर नोन एज जर्मिनल लेयर्स और एम्ब्रॉनिक लेयर यानी कि वो लेयर सेल्स की जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है और उन लेयर से जो पूरी बॉडी के एंड टिश्यूज़ बनते हैं उन लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स और एम्ब्रोनिक इनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो डाय का मतलब होता है टू ट्राई मतलब थ्री ठीक है तो ये क्या मतलब है बेटा आगे देखते हैं समझते हैं मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अब देखो याद करो बेसिकली होता क्या है दिस इज वन स्पॉम सेल राइट अब ये स्पॉम सेल क्या होगा दिस विल फ्यूज विद दी एक्सेल ठीक है इनकी फ्यूजन होगी फर्टिलाइजेशन होगी मुझे एक सेल मिलेगा जायगोट याद आ गया क्लास एट में पढ़ा है अब देखो बेटा इस जाइगोट से क्या होगा एक ग्रुप बनेगा सेल का राइट उस ग्रुप ऑफ सेल को मैं क्या बोलूंगी उस ग्रुप ऑफ सेल को मैं बोलूंगी एम्ब्रियो दिस ग्रुप ऑफ सेल विच इज फॉर्म्ड बाय द डिविजन ऑफ जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियो एम्ब्रियो कैसे बना है एम्ब्रियो बना है डिवीजन से अब जाइगोट क्या है एक सिंगल सेल है एक सेल से दो बनेंगे दो से चार बनेंगे फिर एट ऑन so 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 क्या होता रहेगा बेटा ये सेल डिवाइड होते रहेंगे ग्रुप बनता जाएगा सेल का अब देखो हम भी कही न कहीं ना कहीं जाइगोट से बने सारे ऑर्गेनिज्म से बने मतलब एक जायोड से हमारी पूरी बॉडी बनी है इस जायगोड से हमारा हमारे ऑर्गन बने हैं हमारे टिश्यूज बने एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दैट तो चलो चलते हैं वहां पे उसी जगह पे एम्ब्रियो पे क्या एम्ब्रियो बना कैसे होगा ठीक है तो ये क्या है बहुत सारे सेल है और इस सेल के ग्रुप को हमने क्या बोला एम्ब्रियो बोला अब बेटा जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एम्ब्रियो के अंदर ना कुछ लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियो के अंदर कुछ लेयर्स बनती हैं ठीक है तो ये सेल क्या करते हैं सेल अपनी लेयर बना लेते हैं अब किसी किसी एम्ब्रियो के अंदर दो लेयर बनती हैं लाइक like दिस ठीक है किसी किसी एम्ब्रियो के अंदर बेटा क्या होता है मैं यहां पे स्लैश कर देती हूं या फिर किसी किसी एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है बेटा तीन लेयर्स बनती हैं किसी किसी एम्ब्रियो के अंदर बनती हैं तीन लेयर्स तीन लेयर्स किसकी सेल्स की ठीक है किसी किसी एम्ब्रियो के अंदर बनती हैं दो लेयर्स जिनके अंदर बनेंगी दो लेयर्स उनको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक यहां पे पिक्चर है या राइट सो जिन ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो में जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो में दो लेयर्स प्रेजेंट थी उन सभी एनिमल्स को हमने क्या नाम दिया उन सभी एनिमल्स को बेटा हमने नाम दिया डिप्लोब्लास्टिक आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ठीक है जिनके एम्ब्रियो के अंदर बेटा तीन लेयर्स थी उनको मैंने बोला ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक इतना समझ आया अब वो दो लेयर और तीन लेयर कौन सी है बेटा देखो जो आउटर वाली होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडम देखो ये बाहर वाली लेयर है ब्लू कलर की पर्पल कलर की जो आपको लेयर दिख रही है दिस इज एक्टोडम आउटर क्या होती है आउटर लेयर का क्या नाम होता है एक्टोडम और जो इनर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोडम याद रहेगा ये पर्पलिश आउटर लेयर एक्टोडम एंड ये अंदर ग्रेश ये जो अंदर ग्रेश कलर की लेयर दिख रही है दिस इज एंडोडर्म आउटर एक्टोडर्म तो इनर एंडोडर्म जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो के अंदर दो लेयर प्रेजेंट है वी कॉल देम डिप्लोब्लास्टिक अब जिन और एनिमल्स के एम्ब्रियो के अंदर तीन लेयर प्रेजेंट है आउटर एक्टोडम इनर एंडोडम और इन दोनों लेयर के बीच में देखो एक पिंक कलर की ओ -ओ, पिंक कलर की रेडिश कलर की एक लेयर दिख रही है दिस लेयर इज नोन एज मीजोडम राइट तो ट्रिप्लो वालों के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है मिडल लेयर जिसको बोलते हैं मीजोडम

बट उनके अंदर हमें क्या मिलती है एक जेली लाइक -like सब्सटेंस मिलता है जो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है फिल्ड हुआ -like हाइड्रा का एक डायग्राम दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है मेसोग्लिया तो मेसोग्लिया क्या है मेसोग्लिया एक जेली लाइक -like सब्सटेंस है जो कहा हमारी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिलता है याद रहेगा ट्रिप्लो थ्री डिप्लोब्लास्टिक डिप्लो टू ठीक है अब कौन से एनिमल्स डिप्लो हैं, कौन से एनिमल ट्रिप्लो हैं? कैसे याद रहेगा एंड सैलेंटरेटा है बेटा ये हमारे डिप्लो डिप्लो ब्लास्टिक है दे आर डिप्लो प्लास्टिक मतलब इनके अंदर दो लेयर्स हैं एम्ब्रियो में और यहां से लेके लेटी हेलमेंथीज नेमाटोडा एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ये सभी के सभी क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक ठीक है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक थ्री लेयर्स याद रहेगा बहुत इजी है बिल्कुल याद रहेगा अब अब आते हैं एक और लेवल और एक और क्राइटेरिया पे जिसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्या किया है क्लासिफाई किया है ठीक है अब वो क्राइटेरिया है बेटा हमारा सीलोम ठीक है सीलोम एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्या करा है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा है राइट अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ए सिलोमेट कुछ होते हैं सूडोसिलोमेट और कुछ होते हैं सिलोमेट इनका क्या मतलब है सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सिलोम होता क्या है सिलोम बेटा एक तरीके की कैविटी है जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर हमें मिलती है अब ये कैविटी क्यों है ये कैविटी कहाँ से आई और इसका यूज क्या है एक सिंपल सी सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा लेट से यू आर गोइंग समवेयर राइट आपको कहीं जाना है राइट right? एंड आपको पैकिंग करनी है ठीक है आप लगेज लेकर आओगे आपने लगेज खोला राइट right? आपने लगेज खोला आपने, आपने देखा कि मेरे सूट के अंदर ऑलरेडी इतना सारा सामान भरा हुआ है राइट right? अगर आपको अब सामान रखना है अपना तो आपको पुराने वाला सामान निकालना पड़ेगा जगह बनानी पड़ेगी है ना उसको निकाल के जगह बनानी पड़ेगी और आपको अपना नया सामान वहां पे प्लेस करना पड़ेगा ठीक है तो वैसे ही बेटा अगर मेरे को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हम ह्यूमन बॉडी का ही एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को प्लेस करना है तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी जगह बनानी पड़ेगी ना तो वैसे ही बेटा एक तरीके की कैविटी होती है जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं जैसे कि अब देखो इमेजिन करो हमारी चेस्ट कैविटी है चेस्ट कैविटी के अंदर लंग भी रखा हमारे जो लंग्स हैं वो रखे हुए हैं हमारा हार्ट वहाँ रखा हुआ है हमारी अब कैविटी है वहां पे हमारा किडनी है हमारे लिवर है तो हमारे ऑर्गन्स एक कैविटी के अंदर क्या है प्लेस्ड है वैसे ही अब एनिमल्स के अंदर ऑर्गन मिलते हैं अब और ऑर्गन जहां रखे होते हैं जिस कैविटी के अंदर होते हैं उसको हम बोल देते हैं सीलोम अब अगर एनिमल के अंदर सीलोम है तो वो सिलोमेट बोलते हैं ठीक है सिलोमेट सिलोम प्रेजेंट जिस और जिस एनिमल के अंदर सिलोम उनको हम ए सिलोमेट बोलते हैं पे क्रॉस मार देते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट है, है उनको ए सिलोमेट इज सूडो सिलोमेट सूडो का मतलब होता है फेक नकली नकली वाला सिलोम राइट तो एक फाइलम है हमारा जिसके अंदर प्रॉपर सिलोम नहीं होता सिलोम मतलब झूठा सा सिलोम होता है मतलब सिलोम के कैविटी के पाउचेज होते हैं ठीक है आगे देखते हैं समझते हैं फाइन तो सीलोम क्या है है बॉडी कैविटी और ये से से आई से आई देखो देखो याद करो पे ये देखो। ये डायग्राम कहाजोडम है अगर इसको ध्यान से देखोगे अपनी स्क्रीन को अगर जूम कर सकते हो तो इसको देखना बेटा इसके अंदर ना तुम्हें दो तरीके के सेल्स दिखेंगे एक ये आउटर डार्क पिंक और ये इनर लाइट पिंक अब क्या होता है बेटा अब सामान रखना है जगह तो बनानी पड़ेगी ना सूटकेस में पैकिंग करनी है तो पुराने वाला सामान निकालना पड़ेगा जगह बनानी पड़ेगी तो वैसे बेटा होता क्या है ये जो मीजोडम होता है ना लेट्स सी अभी ऐसे है मीजोडम ये ऐसे है धीरे धीरे क्या होगा ये ऐसे एक दूसरे से अलग होता हुआ चला जाएगा सेपरेट होगा आप देखो एक दूसरे से सेपरेट होगा तो जगह बन गई सी स्पेस बन गया अब जहां ये स्पेस बन गया यहाँ पे क्या होगा हम ऑर्गन्स को प्लेस कर देंगे तो अगर कोई पूछता है कि सिलोम कहां से डराइव होता है इंपॉर्टेंट फॉर एन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिलोम कहां से बनता है सिलोम से बनता है ठीक है और क्यों बनता है सो दैट वी कैन प्लेस दी ऑर्गन इन द कैविटी सो यहां पे देखते हैं बेटा कैसे दिखते हैं सिलोमेट ए सिलोमेट और सूडो सिलोमोट के एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो है एनिमल्स का और ये कैसा दिखता है जब ये डेवलप हो रहा होता है सो बेसिकली बेसिकलीट स्टार्ट विद ए सिलोमेट ठीक है देखो बेटा ए सिलोमेट में देखो ये आउटर क्या है एक्टोडम है ये इनर एंडोडम है एंड एंडोडम के और एक्टोडम के बीच में देखो मुझे एक लेयर दिख रही है मीजोडाम क्या ये मीजोडाम एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई है जी बिल्कुल चिपकी हुई है यानी कि कौन से और एनिमल्स है बेटा ये ये एनिमल्स है ए सिलोमेट राइट सीलोमिस इज ठीक है अब देखते हैं बेटा हम सीलोमेट सीलोमेट में देखो बेटा ये आउटर क्या था हमारा एक्टोडम ये हमारा था इनर एंडोडम अब बीच का पार्ट देखो बेटा जो हमारा मीजोडम था देखो ये क्या हो गया एक दूसरे से स्प्लिट हो गया देखो थोड़ा सा मिजोडम का पार्ट मुझे यहां दिख रहा है एंड थोड़ा सा मिजोडम का पार्ट मुझे यहां दिख रहा है ठीक है और इसके बीच में एक कैविटी बन गई है जस्ट सी इट वेरी केयरफुली यहां पर देखो एक कैविटी बन गई है इसी कैविटी का क्या नाम है सीलोम राइट right? और जिनके अंदर ये सीलोम प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ए सॉरी उनको तो हम सीलोम एट बोलते हैं सो वी कॉल देम या सो वी कॉल दम सीलोमेट जिनके अंदर ये सिलोम प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सीलोमेट राइट अब आ जाते हैं सुडोसीलोमेट के पास सुडो सुडो मतलब फेक फॉल्स पढ़ा है ना सुडोपोडिया क्या होता है मतलब फॉल्स सुडो का मतलब ही फॉल्स होता है फेक राइट एंड हमें फेक नहीं बनना है हमें तो बस यहाँ पे डिस्कस करना है सो so, देखो बेटा यहां पे इंसटेड कुछ इस तरीके के सेपरेशन की बजाय क्या हो गया है छोटे छोटे पाउच बन गए हैं इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सूडोसिलोम जब मीजोडर्म के ऐसे पाउचेस बन जाते हैं दैट स्टेट इज नोन एज सुडोसिलोम राइट तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सिलोमेट ठीक है अब मुझे कैसे याद रहेगा मैम कौन सा और एनिमल सिलोमेट है कौन सा ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है बहुत 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 इजी है याद रखना ठीक है बेटा अब देखो यहां पे जो मेरा ये ग्रुप है पोरीफेरा सेलेंट्रेटा प्लेटी ये तो है हमारे ए सिलोमेट दे आर ए सिलोमेट राइट उसके बाद जो नेमा टोडा है दिस इज द ओनली ओनली ग्रुप जो कि क्या है right? And इसके बाद जितने भी ग्रुप हैं सभी के अंदर सीलोम मिलता है अब क्योंकि इनके अंदर सीलोम मिलता है तो आई विल कॉल देम सीलोमेट राइट अब एन के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर ग्रुप के अंदर ये टर्म्स लिखे मिलेंगे तो अब हमें समझ आ गया ना कि ए का क्या मतलब है? अब हमारे लिए एनिमल किंगडम समझना पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आगे देखते हैं बेटा लास्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया और भी होते हैं जैसे सेगमेंटेशन एंड अदर बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लास नाइन्थ के लेवल के लिए आखिरी ये है नोटोकॉड अब देखो बेटा अगेन चलते हैं वापस जयगोट लेवल पे जब एनिमल बनता है जायगोट से जयगोट से एम्ब्रियो बनता है फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी शेप लेने लगती है उसकी बॉडी में बोन्स बनने लगती हैं ऑर्गन्स बनने लगते हैं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है ना ऐसा तो नहीं है ना आज जयगोट बन और कल पूरा का पूरा बॉडी ने शेप ले लिया नो इट इज अ वेरी स्लो स्लो प्रोसेस धीरे धीरे ऑर्गन्स धीरे धीरे सब चीजें बनती है राइट तो बेटा जब हमारी बॉडी ह्यूमन की बॉडी या एनिमल की बॉडी डेवलप हो रही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटो कॉर्ड नोटो कॉर्ड राइट एंड ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है एक ये बैकबोन होती है इट इज एक्चुअली अ प्रिमिटिव बिगनिंग टू बैकबोन मतलब बाद में जाके ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर किस डेवलप हो जाएगा हमारी बैकबोन में हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हमारी बॉडी के अंदर बैकबोन होती है राइट right? तो ये बैकबोन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है ठीक है और ये नोटोकॉर्ड कहा से बनी है कहाँ पे बनती है एम्ब्रियो में बनती है इस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो बैकबोन है वो कभी जब हम एम्ब्रियो रहे थे राइट right? वो क्या थी नोटोकॉट नोटोकॉर्ड बाद में क्या हो जाती है डेवलप हो जाती है एंड देन इट बिकम्स बैकबोन राइट अब नोटोकॉड क्या है समझ आ गया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कहा मिलेगा हमें दी एम्ब्रियो राइट अब किसके एम्ब्रियो में मिलेगा किसके एम्ब्रियो में मिलेगा हमें ये नोटोकॉड अब ये भी देख लेते हैं कौन से फाइलम हमारे नोटोकॉड होती है किसमें नोटोकॉड नहीं होती ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, है याद रखना फेरा से ले के तक सब में क्या होती है बेटा ये एबसेंट सबके अंदर ये क्या होती है एबसेंट नोटोकॉर्ड एबसेंट एंड जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉड एबसेंट होती है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स क्या बोलते हैं हम उनको नॉन कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स का मतलब वो ग्रुप जिनके अंदर Back, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एबसेंट है राइट right? एंड जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स कॉर्डेटा का नाम ही इसी पे पड़ा है क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास क्या है बैकबोन तो कॉर्डेटा में मैं क्या लिख दूंगी प्रेजेंट ठीक है अगर आपके सामने कोई बोले इट इज अ नॉन कॉर्डेट एनिमल तो आप समझ जाओगे कि उस एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है बैकबोन एबसेंट है राइट right? अगर कोई बोलता है कि नोटोकॉड प्रेजेंट है बैकबोन प्रेजेंट है तो हमें समझ आ जाएगा कि वो एनिमल किसको बिलोंग करता है टू तो द फाइलम समझ आ गया बेटा सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर राइट आज हमने काफी लेवल ऑफ क्राइटेरिया आई आईमस से हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को

कि हर इन हर फाइलम के करेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे काफी चीज तो हमने आज ही समझ ली है हमने समझ लिया कौन सा सूडोसिलोमेट है कौन सा सीलोमेट है राइट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद ईच एंड एवरी फाइलम टिल देन आई वॉन्ट रिवाइज दिस चैप्टर वंस फ्रॉम द एनसीआर यू विल एंजॉय इट यू विल अंडरस्टैंड इट थैंक यू सो मच पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट